हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। तो एक प्रॉब्लम है जिसकी सॉल्यूशन हम आपके सामने करने वाले हैं। ये हमारे एक न्यू ज्वाइनर है मिस्टर योगेंद्र जी, उन्होंने मेरे लाइव क्लास जूम के साथ ज्वाइन किया है। उन्होंने एक सवाल पूछा है, मैं सोचा इस पर वीडियो बना दूँ। तो इस पर क्वेश्चन क्या है कि इनके पास इस तरह के बहुत सारे डेटा हैं, इसमें से वो सिर्फ नंबर स्टैक करना चाहते हैं, मतलब कि हैश के बाद और स्पेस से पहले वाला जितना भी नंबर है, चाहे वो 4 हो या 8 हो या 6 डिजिट हो, वो अलग करना है। तो इसके लिए हम फॉर्मर लगाएंगे फाइंड या सर्च का, स्पेस इसमें जाएंगे और हम 1 से शुरू करेंगे। तो ये देखिए 6 आ गया, इसी तरह से 10 आ जाएगा। तो 10, 6, 8 क्या है? ये बेसिकली ये जो स्पेस है ना, इसका लुकआउट है। अब मैं अगर लेफ्ट का फॉर्मर लगा देता हूँ तो क्या करेगा कि लेफ्ट से 6 डिजिट दे देगा, तो हैश भी आ जाएगा और स्पेस भी आ जाएगा। आप लेंथ फॉर्मर लगा के चेक कर सकते हैं कि कितना लेंथ है इसका, 6 डिजिट है क्योंकि 4 ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम मिड का फॉर्मर लगाएंगे कि मिड, इसको सेलेक्ट कर लिया और हम बोले कि दूसरे नंबर से जितना लेंथ है ना, उसमें से हमें 2 माइनस करना है। 2 क्यों माइनस किए? एक हैश माइनस किया और एक हमने स्पेस माइनस किया और नीचे की तरफ हम ड्रैग कर लिया। अब इस फॉर्मूले को इकट्ठा करने के लिए हम फाइंड फॉर्मूले को कॉपी करके और जो B2 इस पे हम डाल देते हैं और इसको कॉपी करके कट करके यहाँ पेस्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। तो ये रह गया हमारा डिटेल्स। तो इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और किसी भी दिक्कत के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। थैंक यू।